तो गाइस वेलकम टू माय चैनल। आज की जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं पे ही वो ये थार जी पाई है जिसका मॉडल नंबर है 1699। इसकी असेंबलिंग वीडियो कैसी होती है, कितनी देर में होती है, क्या लगता है, पेचकस लगता है और एक पिलास लगते हैं। तो गाइस अगर मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए स्टार्ट करता हूँ मैं वीडियो पर। तो 1699 वाली जीप की ये असेंबलिंग वीडियो दिखाता हूँ, कैसे कौन सी टायर कहाँ पर लगेगा, कैसे लगेगा, कितनी देर में होगा, उसमें पेचकस और पिलास का काम है, ज़्यादा देर नहीं है। तो पहले मैं आपको सारा सामान दिखा देता हूँ उसका, क्या क्या चीज़ें। तो गाइस हमने ऑलमोस्ट सारी गाड़ी का जो है सामान हमने नीचे रख दिया है। तो इसके जैसे सामान में जैसे ये व्हील है, ये स्टेयरिंग है, व्हील इसके अंदर 5 होता है, तो 4 व्हील क्या होता है लगेगा और एक होता है स्टेपनिक होता है, शो के लिए होता है। बाकी ये आपका ये मिरर है, ये व्हील कैप का जो लगेगा वो है, ये सीट है, बाकी सारे सामान है। अभी मैं असेंबलिंग करके दिखाता हूँ आपको कैसे होगा। तो सबसे पहले व्हील कैप पर स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले व्हील कैप है। व्हील कैप में जो आपने लगाना है, ये कटिंग होता है व्हील कैप के, यहाँ पे ये कटिंग होते हैं और यहाँ पे कटिंग होती है। ये आपस में पहले यहाँ पे कटिंग में इसको मिला लिया करो, इसको खाली प्रेस करना है आपने ऐसे करके, ठीक है। ये चारों जो व्हील में जो व्हील कैप लगेगा वो इसी तरीके से लगेगा। तो गाड़ी को हमने ये पलट लिया है, अब ये टायर जो हमने लगाना है वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे लगाना है। तो ये जैसे आपने टायर लगाना है, पहले टायर लगा के दिखाओ, ये टायर चारों व्हील एक जैसे होता है, कोई चेंजेस नहीं होता है। तो टायर आपने ऐसे लगाना है और इस साइड से आपने एक वाशर डालना है और नट डालना है। एक बार लगा, ये वाशर डाल दिया, उसके बाद ये नट लगाना है आपने। चारों व्हील का जो सिस्टम है वो इसी तरीके से लगेगा। तो फिलहाल मैं आपको एक व्हील टाइट करके दिखाता हूँ कैसे होता है और कितना टाइट करना है आपने। तो ये हमारे पास चाबी होता है इस तरीके का, अगर आपके पास चाबी अगर ऐसा हो, 17 नंबर, ये 17 नंबर वाला चाबी होता है। तो ज़्यादा टाइट नहीं करना है, मतलब टाइट इतना ही रखना है जितना मतलब कि टाइट होने के लिए होता है, जैसे इतना सा थोड़ा सा गैप, थोड़ा सा और टाइट करो। तो ये टाइट हो चुका है, अब मैं चारों व्हील लगा देता है। तो अब हम एक और व्हील लगा के दिखाते हैं, बैक व्हील। बैक व्हील में ये होता है, कई बार क्या होता है ये रॉड पकड़ना पड़ जाता है जैसे नट टाइट करने के लिए, क्योंकि इस साइड का तो रॉड फिक्स होता है, तो हमारे को रॉड पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, इस साइड के लिए रॉड नट टाइट करने के लिए पकड़ना पड़ता है। तो दिखा देते एक बार मैं आपको, ये वॉशर डाला, नट डाला, उसके बाद आपने ये टाइट करना है। ये आपने एक साइड से रॉड पकड़ना है पिलास से, दूसरी साइड से आपने नट को टाइट कर देना है, तो नट हो जाएगा टाइट, ठीक है। उसके बाद ये रॉड कई बार क्या होता है जैसे बाहर आ जाता है, तो आपने ये पिलास से हल्का सा ठोक देना अंदर के साइड, ठीक है। फिर दूसरी साइड का भी व्हील आपने ऐसे लगाना है। टायर फिट हो गया है, अब गाड़ी को हमने सीधी कर दी है। अब हम आपको सबसे पहले लगा कर दिखाएंगे हैंडल, हैंडल कैसे लगते हैं। तो टेप लगी होती है, हटा लेना है टेप आपने। वायर होता है कनेक्टर, कनेक्टर क्या होगा उल्टा लगेगा नहीं, जब भी लगेगा ना सीधा ही लगेगा। तो आपने ये कनेक्टर ऐसे इस तरीके से लगाना है, प्रेस करना है, प्रेस करा फिर ये वायर आपने अंदर करना है। इसके अंदर कोई नट नहीं, कोई पेच नहीं, कोई कुछ नहीं करना, बस आपने लॉक दबाना है और सिंपली हैंडल लग जाएगा। ये गाड़ी ऐसी है जो कि इसमें ना 10 से 15 मिनट में गाड़ी आपकी पूरी रेडी हो जाती है, बाकी गाड़ी में तो फिर ज़्यादा टाइम लगता है। अभी क्या हो गया, हैंडल ही फिट हो गया। अब मैं आपको आगे का ग्लास लगा के दिखाता हूँ, ग्लास में भी ज़्यादा कुछ नहीं है। तो ये आगे का ग्लास है, तो ये आगे का ग्लास जैसे लगाना है, कई बार क्या होता है ये वाला वायर नीचे होता है, ठीक है। तो ये वायर आपने अगर नीचे से निकाल कर ऊपर रख लेना, क्योंकि क्या होगा कनेक्शन करने में आपको ईजी रहेगा। तो इसका भी जो कपलर है वो उल्टा सीधा लगेगा नहीं, जब भी लगेगा सीधा ही लगेगा। ये लगाना है, फिर उसके बाद वायर आपने अंदर कर देना है, और इसमें भी कुछ नहीं करना है, बस खाली प्रेस करना है। लो ये प्रेस करा, ये हो गया, आगे का ग्लास लग गया। अब आपको हम लगा कर दिखाते हैं सीट और बैटरी का कैसे कनेक्शन होता है वो भी बताते हैं। इसकी जो बैटरी की वायर होती है या जो भी बैटरी सिस्टम होता है या सर्किट सिस्टम होता है, वो ये बोनट के यहाँ पर होता है। तो ये कैसे लॉक खुलेगा, तो इसके अंदर एरर भी बना होता है लॉक खोलने का, दिखा रखा है, खोल कर दिखा दो। तो ये निकल चुका है, अब इसके अंदर बैटरी होती है, वैसे तो ये वायरिंग किया हुआ होता है, अगर अदरवाइज अगर कई बार नहीं रहता तो एक बार वायरिंग चेक कर लेना ऐसा खोल कर। फिलहाल इसमें वायर किया हुआ है, तो एक बार गाड़ी ऑन करके दिखाना एक बार आप होने के लिए। तो ये हमने लगा चुका है वायर, अभी गाड़ी हमने ऑन करके दिखा दिया। अब मैं इसका ढक्कन लगाऊंगा, उसके बाद मैं आपको सीट भी लगा कर दिखाऊंगा। मैं बताता हूँ यहाँ पे, तो ये हमने ये लॉक लगाना है और यहाँ पे एरो बना हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पे एरो बना हुआ है, अच्छा, इस तरफ अनलॉक का, ठीक है, और इधर वो, ठीक है, लगाइए दोनों साइड का लॉक लगाइए, बस अब ज़्यादा ना बोले आप। लगाना अभी है फाइनल, तो एक बार सीट लगा कर दिखाते हैं कैसे लगेगा। तो
ला के दिखाओ भाई सीट, इसमें कटिंग बना होता है, ठीक है, दोनों कटिंग बना होता है, देखो वहाँ पे इसमें दोनों फंसेगा, उसके बाद ये सीट फिट हो गए, उसके बाद यहाँ पे दो पेचे लगेंगे साइड बाय साइड, एक इस साइड एक उस साइड, तो वो भी लगा कर दिखाते हैं। तो ये पेच लगा कर दिखा रहे हैं, पेच इस तरीके का पेच होता है, ठीक है, ये टाइट हो रहा है, दोनों साइड इसी तरीके से लगेंगे, ठीक है। ये पाउच है, इसके अंदर साइड के मिरर है और ऊपर के जो लाइट जैसा लगता है वो है इसमें दो, तो एक बार पहले लाइट भी जो लगाना है वो भी सिंपली होता है, खाली प्रेस करना है, ये हो गया फिट। अब देखो ये भी ऐसे प्रेस करना है, अब ये साइड के मिरर आ गया, ये साइड के मिरर में राइट लेफ्ट देखकर लगाना है, ये भी आपने सिर्फ प्रेस करना है, ये भी खाली प्रेस करा, ये लॉक लग गया दोनों साइड से, इसी तरीके से लगेगा ये। तो ये गाड़ी हो चुकी है फिट, अभी पीछे की स्टेपनिंग जो होता है वो शो की जो लगता है वो कैसे लगेगा वो भी बता रहा हूँ मैं। तो ये बस सिंपली आपने प्रेस करना है, लॉक लग गया ये। अब रिमोट में सेल डलता है इसके अंदर दो, और ये व्हील कैप होता है, व्हील कैप आपने कैसे लगाना, पहले ये वाला लॉक लगा लेना है, इस तरीके से प्रेस करना है, सिर्फ मैं आपको स्टेपनिंग वाला लगा कर दिखाऊंगा, लगा कर दिखाऊँ भाई स्टेपनिंग वाला व्हील कैप। अबे भाई वीडियो तो हमने प्ले नहीं करा। तो ये आपने फाइनली ये वाला व्हील कैप लगाना है, चारों व्हील कैप जो लगे हो वो इसी तरीके से लगेगा, और रिमोट में क्या डलेगा, ठीक है। तो ये रिमोट है हमारा, इसके अंदर दो सेल डलते हैं, सेल कैसे डलेगा, ट्रिपल ए वाला दो सेल डलेगा इसके अंदर, और पेयर करने का बताता हूँ कैसे पेयर हो। ये आपने डालना है ट्रिपल ए वाला सेल, माइनस प्लस देख कर लगाना है आपने, वैसे तो एरर बना होता है, ये हो गया। अब हम आपको रिमोट पेयर करके दिखाएंगे, रिमोट जैसे आपने पेयर करना हो आप एम वाले बटन को दबा के भी रखोगे जब भी पेयर हो जाएगा, इन दोनों को बटन दबा के रखो जब भी पेयर हो जाएगा, तो एम वाले बटन को दबा के रखो और गाड़ी आपने ऑन करना है। ये रिमोट होगा पेयर, रिमोट से एक बार चला कर दिखाता हूँ, ये रिमोट से चला फ्रंट, बैक कर बैक कर, ये चल रहा बैक, ठीक है। पूरी गाड़ी हो चुकी है फिट, यहाँ से ऑन ऑफ करने का सिस्टम होता है, चार्जिंग पॉइंट इसका यहाँ होता है। पूरी गाड़ी में फिट कर चुका हूँ, तो आप देख सकते हो, ये फ्रंट से भी एक बार और लुक दिखाता हूँ आपको एक बार इसका, ये देखिए आप बैक से लुक। और ये थार जीप है, थार जीप पे हमने आपको असेंबलिंग वीडियो बताया, ठीक है।